बटोगे तो कटोगे, इस बात का आपने सुना है कहीं पे? हाँ सुना है, ये काफी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है जी। ये क्या कभी अब से पहले कभी दंगा हुआ था ना, क्या नाम गोली मार चलाई थी हिंदुओं पे, जब से यह है क्या नाम वो मोमडिन साथ देता है खुल के। अच्छा, जैसे हिंदू है, हिंदू तो आपस में जाति में बट गया, गुज्जर जाट को वोट नहीं देगा, जाट ब्राह्मण को नहीं देगा, सैनिक गडरिया को नहीं देगा, गडरिया सैनिक को नहीं देगा। इसका जो इफेक्ट पड़ेगा इस चुनाव, अगर इस जात चार मुस्लिम प्रत्याशी है, अगर चार में से एक हिंदू नहीं निकलता तो फैक्ट क्या रहेगा, इस जाति ने हमें वोट नहीं दी, हम आगे को। दोस्तों मैं मीरापुर चुनाव के लिए निकल रहा हूँ और हरियाणा से सीधा चुनाव कवर करने के बाद अब उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उन सीटों में से एक मीरापुर चुनाव सीट है और काफ़ी हॉट सीट ये बन चुकी है और लगातार वर्क करीब ये जो है सारे कैंडिडेट उतरे हुए हैं मैदान में। तो हमारे साथ रात का टाइम है और तमाम गांव में हम गए, मुस्लिम समाज के बीच में गए, तमाम लोगों से चर्चाएँ कर रहे हैं भाई आखिरकार सोच क्या रहे हैं, क्योंकि सवाल है भाई योगी आदित्यनाथ जो वर्ल्ड फेमस है, उनका जिक्र चलता है उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब सभी जगह पर, कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को हमारा मुख्यमंत्री बना दो, सब लोग उसकी डिमांड करें, ऐसी क्या उनकी ऐसी छवि है उत्तर प्रदेश के अंदर, वही समझने के लिए आया हूँ। और मीरापुर चुनाव के बारे में क्या ये सोचते हैं, हालांकि मुजफ्फरनगर जो नाम लिया जाओ तो किसानों के से जुड़ा हुआ एक मुजफ्फरनगर, ये गन्ना बेल्ट का गाँव है, तो हमारे साथ ये किसान बैठे हैं गाँव के और ये गाँव जो है शैणी समाज के लोग जो ज़्यादा रहते हैं इस गांव में, है ना जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम्हें। तो क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार। आपका जी? सुधीर नाम है जी मेरा। अच्छा, आपका जी? रमन कुमार। अच्छा जी, ठीक हम। अच्छा, अनुज कुमार। आपका जी? मोहित कुमार। मोहित कुमार। अच्छा जी, मीरापुर का चुनाव हो रहा है, आप सभी तो जानते होंगे जी। तो चंद्र चौहान जो है, चंद्र सिंह चौहान जो है सांसद बन गए, अभी सीट खाली होगी, अभी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं अलग अलग प्रत्याशी, तो क्या समझ रहे हैं? अब की बार मैं पहले बात करूंगा योगी आदित्यनाथ को लेकर के, तो इस सीट पर किसका रुतबा रहेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का बीजेपी का गठबंधन है और अखिलेश यादव के साथ में कांग्रेस का गठबंधन है, आरएलडी के साथ में बीजेपी का गठबंधन है, तो ये चुनाव का जो समीकरण है किस तरीके से सोचते हैं लोग और क्या मुद्दे रहने वाले हैं? कैंडिडेटों के चेहरों पर वोट होगा या फिर योगी आदित्यनाथ के या फिर अखिलेश यादव गया फिर जयंत चौधरी, किस तरीके का चुनाव होगा ये चुनाव? सर जो फील्ड में हम घूमे आज तो उसमें लगा 50-50 चांस है। अच्छा, फील्ड में घूम रहे हो, पॉलिटिक वर्क करो? नहीं, सोशल। अच्छा, वैसे ही वोट रहा? अरे फिर तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी जी, उसके लिए तो बहुत बढ़िया होगा जी। क्या लग रहा है, आप वर्क कर रहे हो? हाँ, तो मैं 50-50 चांस है। अच्छा जी जी, दोनों 50-50 चांस, गठबंधन पे भी ज्यादा है और पे भी, साइकिल पे भी। अच्छा, साइकिल पे और कांग्रेस पे कौन से लोग ज़्यादा है, कुछ समीकरण निकला? हाँ, मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं। मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं और जो बीजेपी के साथ हैं वे सब हिंदू हैं। वे सब हिंदू हैं, तो 70% मेरे ख्याल में मुसलमान आबादी होगी यहाँ पर शायद, तो मुसलमानों का कितना प्रतिशत वोट जो है बीजेपी को जा सकते हैं? तो कह सकता है 10-15% के आसपास होगा, जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सुविधा दे रखी है, सिलेंडर का रखा है और सुरक्षा दे रखी है, राशन बट रहा है, 2028 तक का फ्री कर दिया गवर्नमेंट ने, सुरक्षा है, शिक्षा है, हर विभाग में सुविधा है। तो 70 में से 10 निकाले तो 60% जी, और 30% में से 10% निकाले तो 20% में रह गया, तो वही है ना। पर सर कभी कभी पोलिंग पूरा तो नहीं होता, 100% नहीं होता ना जी, पोलिंग का 50-55-60 तक समथिंग पहुँच जाएगा, फालतू नहीं होगा। तो लगता नहीं बड़ा कठिन, क्योंकि गठबंधन से यहाँ से विधायक चुने गए थे। हाँ, कंटेक्ट टक्कर है, क्योंकि हर पार्टी ने अपने बड़े बड़े दिग्गज नेता इसी सीट पर उतार रखे हैं। तो कहने का मतलब ये है बीजेपी के चुनाव लड़ने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, काफ़ी जोश लगाना पड़ेगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ तो सुपर स्टार प्रचारक है, हरियाणा में गए, चुनाव यात्रा करी उन्होंने भी, उन्होंने एक बयान दिया कि भाई अगर बटोगे तो कटोगे, इस बात का आपने सुना है कहीं पे? हाँ सुना है, ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है जी। ये क्या समझाने की कोशिश करी है योगी आदित्यनाथ? समझाने की कोशिश है, अभी देश में जातिगत जनगणना होती है, अब आपने भी देखा, चलो हम भी पढ़े लिखे हैं, हम देखते हैं कि जब जातिगत जनगणना देश में होती है तो केवल हिंदुओं की जातिगत जनगणना होती है और जो मजहब है उनमें भी जाति है, लेकिन उनको मजहब के अकॉर्डिंग जांचा जाता है। अब माना ये खुजड़ा गाँव है, इसमें अगर को आप वोटिंग देखो कभी तो उसमें देखा जाएगा आपको जाट की इतनी वोट हैं, गुजर की इतनी है, सैनिक इतनी, लेकिन उससे आधार में आता है मुस्लिम की वोट इतनी, उनकी एक एजेंगत है लेकिन हमारी भटकती है।
तो गवर्नमेंट को चीज़ भी देखनी चाहिए, चुनाव को देखनी चाहिए कि अगर वोट कर दे रहे हो आप पूरा ब्यौरा, तो या तो धर्म के और मजहब के नाम पे दो, या फिर जाति का खोल रहे तो सबका खोल रहे उधर से। अच्छा, ये कुछ लोग इस चीज़ का अंदाज़ा लगा कि योगी जी ये बोल रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान जो है हिंदू हमारे को वोट दे, या फिर कुछ ऐसी बात लगती है कि भी जैसे हिंदुओं का पक्ष ज़्यादा योगी जी लेते हैं, या फिर लगता है कि आप मुसलमानों का पूरा सहयोग है योगी आदित्यनाथ का? नहीं है कि गवर्नमेंट का तो बस 2014 से ये रहा है कि सबके साथ सबका विकास हो, कभी भेदभाव नहीं करा, ना सुरक्षा में ना विकास में ना कुछ सरकारी सुविधा देने में कुछ नहीं। यो मैं यही कहता हूँ कि जो सरकारी सुविधा मुस्लिमों के लिए भी सब समान है, लेकिन उनको भी व्यवस्था उस तरीके की मिल रही है, फिर भी मुसलमान नाराज है इनसे, ऐसे क्या हुआ? तो कह सकते हैं वो तो उनके मन की बात है भाई, हम नहीं बता सकते उनके मन की, हम अपने मन की बताते हैं। लेकिन चर्चाओं का विषय है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ऐसी कोई बात तो शायद हुई भी नहीं होगी कि भी मुसलमानों के लिए भेदभाव किया या हिंदुओं के लिए किया हो। देखो मैं किसी की तारीफ करता, लेकिन समझना मेरा काम है गहराई का, क्योंकि पत्रकारिता लोग सवाल पूछते हैं, लेकिन मैं अंदर खोदने की कोशिश करता हूँ। तो लगता है कि मुसलमान भी बीजेपी को वोट कर सकता है इस विधानसभा? हाँ, करते हैं, करेंगे, करें। जैसे 3 तलाक का मुद्दा हुआ, या सिलेंडर का हुआ, राशन का हुआ, बहुत सारे। तो अब आयुष्मान कार्ड को ले लो आप, उसमें जो आयुष्मान कार्ड बना 6 यूनिट का बन रहा है, हिंदुओं में कहाँ 6 यूनिट, एक परिवार में 4 ज़्यादा 4 या 5, 6 यूनिट ज़्यादा ज़्यादा मुस्लिम मजहब में है, तो उनके ज़्यादा ज़्यादा आयुष्मान कार्ड की सुविधा जो इन्हें मिल रही है 5 लाख तक के फ्री इलाज की। अच्छा जी, आप ये थोड़ा समझेंगे, क्योंकि हम बात करते हैं कि ज़्यादा बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, और अब ये नारा देने के बाद मुसलमानों के मन में थोट होगा थोड़ा बहुत कि भाई योगी जी जो है ना तोड़ने की बात कर रहे होंगे, बांटने की बात करें, कुछ ऐसा लगता है योगी जी? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है कुछ। तो उनका कहना मुझे पहले ही कहना है सबका विकास सबका साथ, मनवाने तो सबका साथ सबका विकास तो रहा है। हाँ। लेकिन वोट का विकास क्यों नहीं हो रहा बीजेपी की तरफ? वो वोट का विकास तो चला ना हिंदू मुस्लिम वाला, वो मोमना चाहता है कि ना मुझे अखिलेश जीते, मैन कहा नहीं है इसका। अच्छा, अखिलेश को क्यों जिताना चाहता है मोमडन, ऐसी क्या बात है? चलो इस पे ही कर लेते थोड़ा। राम मंदिर पर जो कभी अब से पहले कभी दंगा हुआ था ना, कहना गोली मार चलाई थी मोमडन हिंदुओं पे, जब से यह है कहना वो मोमडन साथ देता है खुल के। अच्छा, वो खुल के साथ देता है। हाँ। तो राम मंदिर में निमंत्रण दिया गया था, वो गए नहीं राहुल गांधी? हाँ, दिल्ली गए नहीं राहुल गांधी, वहाँ पे मंदिर पे कहाँ गए? अच्छा, ये ब्रांच का जो सुना था आपने मामला, ब्रांच में जो दंगा हुआ था वो हिंदू मुस्लिम हुआ उस चीज़ में, उस चीज़ का भी कुछ फर्क पड़ा, क्योंकि लोग उसको लेकर भी काफ़ी चर्चाएं कर रहे थे? नहीं, चर्चा तो मैं है 2003 की बताए ना आप, वो जो ब्रांच में, ब्रांच में, हाँ वो तो है, कह रहा चर्चा में तो है चीज़, चमक है। हाँ, चमक। अच्छा, आपका क्या नाम है? अनुज कुमार। अनुज जी, क्या समझते हैं चुनाव, क्योंकि ये जो चुनाव है ना, ये कहीं ना कहीं ये संकेत देगा कि बीजेपी कितनी मजबूत है उत्तर प्रदेश में, जो 2027 के चुनाव होंगे तो ये बीच का आंकड़ा होगा, क्योंकि आधा कार्यकाल मान सकते हैं कि आधा कार्यकाल खत्म होगा, आधा बचा है, आधे से थोड़ा ज़्यादा। तो किस तरीके से देखते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी का भविष्य, या फिर अखिलेश यादव का? असल में क्या है, जैसे हम गाँव में जाकर प्रचार प्रसार में लोगों के सर्वे कर रहे, तो इससे एक मानसिकता ये भी है कि हिंदुओं में अंतरकलह ज़्यादा है। देखो, जैसे हिंदू है, हिंदू तो आपस में जाति में बट गया, गुज्जर जाट को वोट नहीं देगा, जाट ब्राह्मण को नहीं देगा, सैनी गडरिया को नहीं देगा, गडरिया सैनी को नहीं देगा। इसका जो इफेक्ट पड़ेगा इस चुनाव का, फैक्ट ये पड़ेगा, सबसे गंदा असर ये होगा, अगर इस जात 4 मुस्लिम प्रत्याशी है, अगर 4 में से 1 हिंदू नहीं निकलता, तो फैक्ट क्या रहेगा, इस जाति ने हमें वोट नहीं दी, हम आगे को क्यों दे? क्योंकि हिंदुओं में कोई भी एक जाति पूर्ण सत्ता में नहीं आ सकती। जो हमारे नेता हैं उनकी कमी थोड़ी सी ये है, वे जाति का प्रकोपंडा पूरा फैलाते हैं, लेकिन किसी भी नेता, कोई कैसा भी नेता हो, एक जाति से नहीं चुनाव जीत सकता। या तो तुम जाति के हिंदू हो रहे, या फिर प्योर हिंदू बनो। जाति का हिंदू तो दोगलापन रहेगा कि भाई कहने को तो मैं हिंदू और वैसे मैं बिरादरी का हूँ, जाति का हूँ, वो दोगले वाले ना बनो। नेताओं को भी देखना चाहिए कि एक तरफा मामला रखे, अगर हिंदू बनने तो शुद्ध बनो, जाति के हिंदू से लाभ क्या है? तो ये योगी जी का कहीं ना कहीं यही तो संदेश ना हो कि भाई जाति से हट करके धर्म पे वोट करो। वास्तव में जो वोट है, कुछ लोग तो ये कहे कि हमें तो वोट नहीं डालनी, देखो मतदान 20 तारीख का है, हमें वोट नहीं डालनी, ये हम क्या करेंगे वोट डाल के। वास्तव में हम लोगों को जो आज़ादी मिली और विरासत से मिली, हमें इसकी कीमत नहीं पता।
संसार में सबसे महंगी आज़ादी हिंदुस्तान को मिली। लगभग 7.5 लाख क्रांतिकारियों के बलिदान से बैठे हम, और आज देश को लगभग 72-74 साल हो गए देश आज़ाद हुए। जब देश आज़ाद कराया था क्रांतिकारियों ने, रुपया और डॉलर बराबर था। अब देख लो कहाँ है, 80-82-84 बजा होगा। एक बात और है, जब तक हम लोग गुलाम थे हमें मतदान का अधिकार नहीं था, हमारा शोषण होता था। अब जब हमें मतदान का अधिकार मिला तो हम लोग मतदान करने से पीछे हटे। अच्छा ये बात बताओ, देखो जब लोकसभा के चुनाव हुए थे ना, तो मैं एक जगह का पता नहीं नाम मेरे ध्यान नहीं है, वहाँ पर बीजेपी ने बड़े अच्छे काम करवाए हैं, लेकिन बीजेपी को 0 वोट मिला वहाँ पर। हाँ गांव है एक, उसमें 500 कुछ मकान बने थे बीजेपी के सरकार के, लेकिन वो गांव वे मकान मुस्लिम बाहुल्य मुस्लिमों के बने, उसमें से एक भी वोट नहीं मिला। रामपुर के पास है वो गांव, रामपुर के पास है वो गांव, उसमें कोई वोट नहीं मिला, क्योंकि ये योजनाओं के लाभ इन्हीं लोगों को मिल रहे। वास्तव में बताओ, जिन लोगों को वोट नहीं देनी। अब आयुष्मान कार्ड बना, सरकार कह रही हिंदुओं को छोटा परिवार, सुखी परिवार, बच्चे दो ही अच्छे, परिवार नियोजन। अरे कहे का परिवार नियोजन रहा, आयुष्मान कार्ड का लाभ तो दे रहे तुम 6 को, 2 वालों को क्या मिला? तो फिर एक जुमलाबाजी होगी। सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि या तो परिवार नियोजन गलत है, अगर परिवार नियोजन सही है तो नियोजन वालों को ही सरकारी लाभ क्यों नहीं मिलता? आयुष्मान कार्ड 6 यूनिट वालों को क्यों बन रहे? तो बनने चाहिए उनको, बनने क्यों चाहिए? तो भाई ये तो फिर हमारे साथ धोखा हुआ ना। आयुष्मान कार्ड कॉमन सी बात है, सरकार कह रही है हम 6 यूनिट के बनाएंगे, और हमारे पास 6 यूनिट है नहीं। हमें कह रही सरकार की बच्चे 2 पैदा करो, छोटा परिवार बनाओ, सुखी परिवार, परिवार नियोजन। फिर लाभ क्या है इस परिवार नियोजन का? आयुष्मान कार्ड जब तुम 6 को लाभ दे रहे, जिसके 6 बच्चे हैं, जिसकी 6 यूनिट है, उसे जो है सरकारी लाभ मिलना, तो फिर हमारे साथ तो धोखा हो रहा। धोखा नहीं है क्या? तो इसका मतलब सरकार ने 2 का नियम जो बनाना चाहिए जनसंख्या। देखो एक चीज़ और थी, जनसंख्या कानून नियंत्रण की कहीं ना कहीं डिमांड होती है, उत्तर प्रदेश को देख करके बात ध्यान में आती है, और आपने पता भी है सब कुछ, अल्लाह की देन है ये चीज़ है वो चीज़। एक बात बताऊँ, जब तक सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर कानून नहीं लागू करने की, तब तक वोट बैंक कैसे होगा? और अगर जनसंख्या नियंत्रण पर कानून नहीं लागू होने का, तो जनसंख्या विस्फोट भी जरूर होना। क्योंकि अब देखो तुम आसपास में, अपने आसपास में जहाँ के भी तुम हो, लगभग लगभग कितने बीघा जंगल आबादी में दर्ज हो रहा। अगर खाने वाले खेतों में आबादी दर्ज हो जाएगी तो खावेगी क्या वो पीढ़ी जो दिन प्रतिदिन बढ़ रही। अच्छा भाई साहब ये बताए, आप कहीं ना कहीं लोग सोचते थे कि भी तीसरी बार अगर दूसरी बार बीजेपी बनेगी तो जनसंख्या कानून नियंत्रण लेके आएगी, और योगी आदित्यनाथ ने कानून भी शायद बनाया था कि बच्चे 2 जिसके 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं उनको हम सरकारी सुविधाएं देंगे, और कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो अल्लाह की देन है, भगवान की देन है। तो क्या सोचते हैं इस चीज़ को सरकार? सर फिर अल्लाह की देन तो ये भी, अगर अल्लाह की देन बच्चे हैं तो फिर नाखून भी अल्लाह की देन भी काटते हैं इंसान, ये नहीं बढ़ने दो। दाढ़ी मूछ है वो भी अल्लाह की देन, वो भी बढ़ रही है उन्हें भी काटो, उन्हीं को काट रहे उन्हें भी बढ़ने दो। अगर देश में रह रहे, अगर देश के प्रति वफादार हो, देश के प्रति प्रेम है, तो देश को जिस चीज़ से हम बचाना चाह रहे उस चीज़ का पालन करो ना। हम माना देश में जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार भी कम हो रहे, तो जनसंख्या बढ़ने का रोक रखनी चाहिए ताकि सबको रोजगार भी मिले। ऐसी सरकार इस काम में सक्षम क्यों नहीं हो पाई जनसंख्या कानून लेके? सक्षम ये नहीं हो पाई कि जो इस बार केंद्र का चुनाव हुआ उसमें एक तरफ जो सीट है वे गठबंधन से आई है, जितनी भी आई हैं वह कम रहेगी, मतदाता सीट कम रहेगी इस बार भाजपा की, वरना ये कानून जरूरत है इस बार। फिर अब आने की उम्मीद नहीं है? आ जाएगा अगर देश एकजुट होकर रोड पर उतरे, आंदोलन करें तो आराम से आ जाएगा, क्योंकि अब तक आपने देखा किसान आंदोलन हो रहे। अगर देश के लिए जनसंख्या का कानून लागू हो तो देश पर करें। जैसो अब सावन में हम लोग कावड़ लेने जाते हैं हरिद्वार, वहाँ से जितने लोग कावड़ लेकर चले उनके बीच कोई जातिवाद या भेदभाव नहीं होता, सब भोले होते हैं एक नज़रों में। जितने भी जल लेने गए उतने युगों तो संसद पर जाकर बैठ जाओ धरने पे कि हमें ये चाहिए, क्योंकि सरकार हम बना रहे, टैक्स हम दे रहे, देश जो चल रहा हमारे टैक्स से चल रहा, तो हमें तो अपने लिए मांगना पड़ेगा ना कुछ। अगर आंदोलन पर जाके बैठेंगे तो सरकार से कहेंगे हमें जनसंख्या भी चाहिए। तो जनसंख्या अगर कानून लेके आती है तो कुछ लगता है कि आंदोलन भी करेंगे दूसरे पक्ष के लोग?
करेंगे, लेकिन ज्यादा पक्ष इसमें होंगे। अच्छा जी जी 50 सब ज्यादा पक्ष जनसंख्या उसमें पर होंगे। अच्छा वो एक चीज देखी जाए तो देश हित में है भी ये चीज अच्छी भाई, जैसे जनसंख्या कानून नियंत्रण करा जावे ताकि रोजगार में कोई दिक्कत ना हो देश के भविष्य के लिए, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट एक बहुत बड़ा वो कह सकते हैं भी इसमें दिक्कत हो सकती है। अब यह बात देखो, अब जैसे हमारा देश है यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है ना, रोजगार कम हो रहे हैं। दूसरा अब यो गांव है जितनी भी आबादी है, अब यहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगी तो अगर उन्हें बसाएंगे हम पेड़ पौधे वृक्ष काटने पड़ेंगे, वरना पेड़ लगाने कोई तैयार नहीं, तो कहीं ना कहीं तरीके से समझ लो वनस्पति विस्फोट मान लो या रोजगार का मान लो जनसंख्या विस्फोट मान लो, कहीं ना कहीं देश उल्टे रास्ते पर चल रहा फिर। बिल्कुल तो मैं यहाँ पर आप भी कुछ बोलोगे जी? हाँ जी बताओ क्या बोल। अच्छा ये बताओ योग्य या के चुनाव के बारे में कर लेते हैं, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं, यहाँ के चुनाव में क्या लग रहा है अब की बार जो मीरापुर का चुनाव है, यहाँ तो बड़ा टक्कर का क्योंकि कठिनाई है बीजेपी को, लगता है बीजेपी सीट निकाल पाएगी? हाँ बिल्कुल, जो हम देख रहे हैं हमारा देखने में यही लग रहा है, वैसे तो टक्कर तो बराबर की है पर लेकिन जो बीजेपी का और आरएलडी का गठबंधन से प्रत्याशी है श्री मिथिलेश पाल जी, तो इनके लगभग 99% हमें चांस लग रहे हैं। अच्छा कुछ मुसलमान जो है आरएलडी पे विश्वास करता था, जयंत चौधरी पे, लगता है मुस्लिम वोट को आकर्षित कर सकेंगे क्योंकि बीजेपी ने इसलिए अखिलेश यादव के यहाँ से उतारा? हाँ बिल्कुल, मतलब 100% तो नहीं कह सकते हम किसी बात को, लेकिन 5-10% मुस्लिम वोट मिलेगी जी। मिलेगी जी, तो लगता है सीट निकलने की उम्मीद है? बिल्कुल 100% लिख रही है। आपका क्या नाम है जी? सुरेश कुमार सिंह। क्या करते हो जी आप? यही मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं। क्या लग रहा है आपकी बार जो देखते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के भविष्य की बात आने वाले 2027 के चुनाव के बारे में, तो लगता है यहाँ से कठिनाई है बहुत सारी क्योंकि चुनाव बीजेपी के लिए? कठिनाई तो हर पार्टी के लिए है, लेकिन यहाँ पे विकास को देखते हुए जो सीट निकलेगी ये बीजेपी की निकलेगी। बीजेपी की निकल सकती है? 100% निकलेगी। चलो ये मैं यहाँ इस गांव में, क्या नाम है जिस गांव का? कुझेड़ा। कुझेड़ा ये मीरापुर का गांव है, जिला मुजफ्फरनगर लगता है, और काफ़ी अच्छा लगा मिल करके। आप भी कमेंट बॉक्स में बताना, और मैं यहाँ पर जब तक चुनाव है यहाँ पर घूमता रहूँगा, और एक जगह है यहाँ पर उसके वहाँ भी जाऊँगा मैं, एक बहुत बड़ा कांड हुआ था उस जगह पे भी जाऊँगा। अगली वीडियो देखते हैं अभी का कब लेके आऊँगा मैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।